वेलकम बैक टू माय चैनल दिस इज आयुषी एंड दिस इज अ क्विक रैंडम वीडियो मैंने बिल्कुल स्क्रिप्ट नहीं करी है सो या रैंडमली हम कुछ बात करेंगे आज सो so, बेसिकली मुझे बस जदा बोलना है कि you know, ये जो बीएससी होती है बीकॉम होता है बीए होता है मतलब बेसिकली जो ये हमारे ग्रेजुएशन कोर्सेज होते हैं इसमें ना आपकी लाइफ पता नहीं कैसे निकल जाती है तीन साल ऐसे निकल जाते हैं पता भी नहीं चलता एंड उसके बाद हम सोच रहे होते हैं कि आखिर हमें करना क्या है मतलब करियर वाइज क्या करना है राइट सो so, उसके बाद क्यों सोच रहे होते हैं हम हम पहले क्यों नहीं सोच सकते मतलब हमारे फर्स्ट ईयर है सेकेंड ईयर है थर्ड ईयर है तो हम उस टाइम पर क्यों नहीं पूरा सोच सकते कि आगे क्या करना है हमें क्यों लास्ट तक वेट करना है राइट right? सो so, अगर आप लोगों को लगता है कि ये कुछ लाइक दिस मेक सेंस देन प्लीज टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बट बिफोर स्टार्टिंग प्लीज चैनल को लाइक कर दो एंड वीडियो को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है प्लीज गाइस लाइक लिटरली बहुत ज़्यादा मैटर करता है ये ना असली पुश देता है कि मुझे लगता है यार जैसे ना कुछ सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं तो ऐसा ही लगता है मुझे लगता है हर क्रिएटर को यही लगता होगा कि ये ना लोग चाहते हैं कि मैं बोलूँ यहाँ पर आकर तो इसलिए प्लीज कर दो यार सो so यार अब बैचलर्स करते हुए हम क्या कर सकते हैं बाय बैचलर्स आई मीन आपकी कोई भी डिग्री हो सकती है बैचलर्स डिग्री आप मास्टर्स करते हुए भी ये सब कर सकते हो बट मतलब तो 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 क्यों रुकना है बैचलर्स में ही क्यों नहीं स्टार्ट करना मैं पहले बता देती हूँ कि ये जो भी मैं चीज़ें बताने वाली हूँ ये सब आप भी बैचलर्स खत्म करने के बाद भी कर सकते हो mm. मास्टर्स के टाइम पे भी कर सकते हो उसके बाद भी कर सकते हो बट पॉइंट ये है कि हमें पहले क्यों नहीं करना है उसको स्टार्ट क्योंकि पहले स्टार्ट करेंगे तो हमें काफी ज्यादा बेनिफिट होगा थोड़ा बेनिफिट नहीं होगा बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा इसलिए पहले स्टार्ट करना है बैचलर्स के टाइम पर ही स्टार्ट करना है एंड अगर डेली यूनिवर्सिटी के बच्चे मेरे को सुन रहे हैं तो उस केस में तो प्लीज़ नोट कर लो चुपचाप से ना नोट कर लो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है सो so, देखो आप जो पहली चीज़ मैं बताने वाली हूँ वो है हमारे फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज तो देखो यार फॉरेन लैंग्वेज के कोर्सेज से मेरा मतलब ये नहीं कि आप पूरी उसमें ग्रेजुएशन करने निकल जाओ फॉरन लैंग्वेज कोर्सेज का मतलब होता है कुछ पार्ट टाइम लैंग्वेज कोर्सेज आप कर सकते हो आपकी नॉर्मल डिग्री चल रही है आपका बी एस सी जो भी चल रहा है डी से चल रहा है कहीं और से चल रहा है उसके साथ साथ आप कुछ पार्ट टाइम कोर्सेज कर सकते हो अभी ना पार्ट टाइम कोर्सेज बहुत सारे तरीके के होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी मेरे खुद के कॉलेज में ये फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज के साथ साथ और कॉलेज और कोर्सेज थे जैसे कि आपका हो गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का ऐसे करके ना बहुत सारे पार्ट टाइम कोर्सेज ये लोग चलाते हैं जिनकी क्लासेस खाली वीकेंड में होती है अब अगेन मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखी है जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में मैं टैग कर दूंगी इस वीडियो का काज में भी कहीं पर तो आप जाकर देख लेना एक बार थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो इन पार्ट को इस करने का क्या फायदा होता है वो सुनो तो आप सपोज दैट तो तो मैंने एक साल का पार्ट टाइम कोर्स किया फ्रेंच में तो मुझे उस एक साल के बाद कोई पर्टिकुलर सर्टिफिकेट मिल गया की हाँ मैंने फ्रेंच में ना ये कोर्स किया हुआ है दो साल का किया तो डिप्लोमा मिल गया तीन साल का किया तो फिर एक एडवांस डिप्लोमा मिल गया ऐसे करके चीजें होती हैं वो आप खुद से फिगर आउट कर लेना पर इसको करने से फ़ायदा क्या होता है अगर मेरा मेरी खुद की डिग्री से मन हट गया मुझे आगे उसमें कुछ परस्यू नहीं करना तो मेरे पास एक सेकंड ऑप्शन खुल जाता है यहाँ पर अब ये सेकंड ऑप्शन ना काफ़ी स्मूथ लग रहा होगा इतना भी नहीं होता है बट स्टिल अब आप क्या कर सकते हो आपने जो ये फ़ॉरन लैंग्वेज सीखी हुई होगी क्योंकि तो हमें पता है यार फॉरन लैंग्वेज का थोड़ा आजकल ज़्यादा चल रहा है ट्रेंड में है तो अगर आपने ये लैंग्वेज सीखी हुई होगी तो आप जाकर इसमें कर सकते हो मास्टर्स डिग्री कर सकते हैं मास्टर्स डिग्री कर सकते हो उसके बाद आप उसी लाइन में निकल जाओ नहीं करनी मास्टर्स डिग्री तो इसके बाद भी आप काफी सारी ऐसी जॉब्स में लग सकते हो जिसमें मतलब जरूरत पड़ती है इन स्किल्स की जैसे कि ट्रांसलेटर की जॉब हो गई ट्यूटर की जॉब हो गई एम्बेसीज में जॉब हो गई तो आप अगर आपकी स्किल्स अच्छी होंगी ना तो भी मिल जाएगी मुझे लगता है ये कब करना है तो ये आपको करना है फर्स्ट ईयर में फर्स्ट ईयर में स्टार्ट हो जाओ ताकि सेकेंड ईयर थर्ड ईयर पूरे तीन साल तीन साल मतलब तीन अलग अलग कोर्सेज कर लिए एक ही लैंग्वेज पे तो उसके बाद आपकी ना एक काफी ग्रिप बन जाएगी एंड ये स्टार्ट बाद में क्यों नहीं करना है क्योंकि जो बैचलर्स होता है ना ये काफी ज्यादा फ्री टाइम होता है लिटरली बहुत ज्यादा फ्री टाइम होता है इसको वेस्ट करने से बेटर है कि अपने हाथ में एक सेकेंड ऑप्शन ऐसे ही बना लो बहुत ईजी होगा बस आपको मैनेज करना पड़ेगा अगर ऑनलाइन हुआ तो और ईजी होगा सिंपल है सेकेंड चीज़ है हमारी गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं मुझे लगता है सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट लोग होंगे जिनको गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करना होगा प्रोवाइडेड मतलब पता नहीं यार दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि इस्पायर करते हैं कि उनको एक गवर्नमेंट जॉब मिले इसलिए वो इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं अब हमें बाद में नहीं करना है तीन साल रुक के क्यों प्रिपेयर करना है मास्टर्स करने के बाद क्यों प्रिपेयर करना है अभी करना है ना क्योंकि ग्राज, जो ये सारे एग्जाम्स होते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स बी टी यू पी एस सी सी जी एल बैंक पी आई बी एस पी ओ रेलवे जितने भी एग्जाम्स होते हैं सबकी क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है कि आपके पास एक ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए आप इक्कीस साल के होने चाहिए दैट्स इट तो उस केस में क्या चाहिए बस हमें प्रिपेयर करना स्टार्ट करना होता है फर्स्ट ईयर से देखो यार सिंपल है फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर तीन साल बैठकर आराम से प्रिपेयर करते रहो इन ग्रेजुएशन मतलब गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए एंड उसके बाद बस आपको देना होगा जब भी आप एलिजिबल हो तो आपको एग्जाम्स देने होंगे ठीक है अगर आप बाद में स्टार्ट करते हो तो फिर वो टाइम आता है जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है क्योंकि उस टाइम पर आप साथ में कुछ नहीं कर रहे होते हो तो देखो यार रिसोर्सेज तो हमारे पास है ही सब कुछ ऑनलाइन है तो ऑनलाइन आपको काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा बस साथ साथ में प्रिपरेशन करती रहनी है अपनी नॉर्मल डिग्री के साथ जो कि मैं कह रही हूँ कि मैनेजेबल है

पर्सनलाइज डाउट्स कोई भी आपकी सिचुएशन हो या कोई भी आपका ऐसा डाउट हो जो कि आपको लगता है कि बात करके ही सॉल्व होगी तो आप डेफिनेटली उससे भी कर सकते हो अब जो तो तीसरी चीज है मेरे पास वो है मेरे प्यारे मैथ्स और स्टार्च वालों के लिए नहीं जरूरी नहीं है कि मैथ्स और स्टार्च वाले ही कर सकते हैं बाकी लोग भी कर सकते हैं बट कम करते हैं ज्यादातर ये कोर्स को मैथ्स और स्टार्च वाले करते हैं एंड इस कोर्स का नाम है एक्चूरियल साइंस बेसिकली कोई कोर्स नहीं है प्रॉपर आपको कोई कॉलेज में नहीं जाना होता बस आपको इसके कुछ एग्जाम्स क्लियर करने होते हैं जो कि एक्चुअली कुछ नहीं है फिफ्टीन एग्जाम्स होते हैं तो आपको ये एग्जाम्स क्लियर करने होते हैं एंड इसके बाद आप एक एक्चुअली बन जाते हो ठीक है अब आपको फिफ्टीन एग्जाम्स पूरे नहीं क्लियर करने होते हैं मैंने ऐसा सुना है कि अगर आप चार एग्जाम्स आई I मीन mean, फोर एग्ज़ाम्स भी क्लियर कर लो तो उसके बाद भी आपको एक डिसेंट जॉब मिल जाती है या फिर एटलीस्ट आप अप्लाई करना तो शुरू कर ही सकते हो, सो so डेफिनेटली ये एक चीज है जो आपको अपनी बैचलर्स में ही स्टार्ट कर देनी चाहिए तो so मेरे कॉलेज में भी ना ग्रेजुएशन के टाइम पे काफी सारे स्टूडेंट्स थे मैथ्स और स्टार्स वाले जो कि एक्चुअरियल साइंस कर रहे होते थे पेपर्स क्लियर करते थे वो लोग लो लो लिटरली हर साल हर सेमेस्टर ना पेपर क्लियर करते थे

तो उसके बाद होगा ये कि जब आप प्लेसमेंट्स के लिए बैठोगे तो आप चूहे वाली जॉब्स के लिए भी एलिजिबल होगे एंड डेफिनेटली एक नया आपके पास डोमेन भी यहाँ से ओपन हो जाएगा इन दिस होप आपको बहुत बहुत ज्यादा पसंद आई हो एंड ये ना सब कुछ एक्सपीरियंस से ही आता है एंड मैं हूँ ना शेयर करने के लिए तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है बस कोई भी अगर आपकी क्वेरी हो डाउट हो तो कमेंट में बता देना इसके अलावा इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दो अगर आप शेयर करोगे ना इस वीडियो को तो मैं ज्यादा लोगों तक पहुंच पाऊंगी एंड जितने भी बच्चे हैं जो कि बैचलर्स में कुछ नहीं कर रहे होते हैं साथ में उन लोगों को एक ही थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि हाँ हम ये भी कर सकते हैं पता ही नहीं होता आधे लोगों को सो so, प्लीज़ यार शेयर करके ना आप काफ़ी सारे लोगों का भला करोगे सो डेफिनेटली क्या आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो देन बाय